हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। कार्तिक स्पेशल में हम बनाएंगे आंवला कैंडी। जैसा कि सभी जानते हैं कि कार्तिक में आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसीलिए कार्तिक कल से, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कार्तिक कल से शुरू हो रहा है, तो आंवले के फायदे बहुत ही ज्यादा होते हैं। विटामिन सी, आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ साथ फेस के लिए, आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो चलिए देख लेते हैं हम आज कैंडी जो बनाने वाले हैं। पिछली रेसिपी में हमने जो कैंडी बनाई थी आंवले की, वो अलग तरीके की थी, और इस बार की जो हम कैंडी बनाने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट है, उससे भी बिल्कुल अलग है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आंवला लिया है जो कि इस समय मार्केट में बहुत ही आसानी से हर जगह पे मिल जाएंगे। तो आंवले को अच्छे से हमने धो के अच्छे से कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ लिया है। और फिर इसके बाद जो आंवले को जो साइज है वो कोशिश कर देखें कि मतलब आंवले साइज में बड़े ही लें। और यहाँ पे देखिए, हम आंवले को थोड़ा सा चाकू से इस तरह से ऊपर वाला भाग को हल्का हल्का साफ कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, हम आंवले को अच्छे से थोड़ा सा साफ कर लिए हैं। इस तरह से हम सभी आंवलों को साफ कर लेंगे। तो आंवले के छिलके देखिए, इस तरह से हम निकाल लेंगे। आंवले के छिलके हम क्यों निकालेंगे ये भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसके डिफरेंस जब हम कैंडी खाएंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनेंगे। इससे जो हमारी कैंडी है वो ब्लैक नहीं पड़ती है, व्हाइट ही रहेगी। तो ऐसे हम छिलके निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे 2-3 घंटे के लिए किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में रखने के बाद आप फ्रीजर में रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के बाद फ्रीजर से निकालने के बाद भी इसका छिलका इस तरह से निकाल लें, और इसका छिलका फेंकने की जरूरत नहीं है, इसे हम आगे यूज कर लेंगे किसी भी चीजों में। तो यहाँ पे देखिए, सभी आंवले का छिलका हमने उतार लिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है, लगभग 2 कप हमने भर के पानी लिया है। अब इस पानी में पहले हम एक उबाल आने देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आंवले उबालने के लिए हमने पानी जो रखा था, पानी में अच्छे उबाल आ गया। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे आंवले। तो आंवलों को हम 5 मिनट के लिए उबलने देंगे ऐसे। 5 मिनट हो गए, आंवले जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ज्यादा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि कैंडी बहुत ज्यादा कड़ी ही अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा गुली सी नहीं अच्छी लगती, इसलिए हमें हल्का सा पकाया ताकि बस बीज जो है अलग हो जाए इससे। 5 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 5 मिनट बाद निकाल लिया है। इसका पानी जो है हम फेंकेंगे नहीं, इसमें काली मिर्च, काला नमक डालने के बाद इसे हम पी सकते हैं। बहुत ही फायदा करता है इसका पानी, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका पानी बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, और इसे हम ठंडे होने तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इसे हाथ से हम पकड़ सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो इसकी जो कलियां हैं हम बीज से बिल्कुल अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम इसे कुछ घंटों के लिए घाम में रख देंगे, थोड़ी सी धूप लग जाएंगे तो इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। आप चाहें तो, अगर आपके घर में धूप नहीं आता है तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटे के लिए इसे धूप दिखाएंगे। पहले सबसे पहले हम बीज से अलग कर लेते हैं इसे। यहाँ पर देख सकते हैं, सभी आंवले के बीज को हमने अलग कर दिया है। तो हम इसे धूप में ले चलते हैं, 1 घंटे के लिए धूप लगाना है इसे। यहाँ पे देखिए, हमने कॉटन का कपड़ा धूप में लगा दिया है। उसके बाद हमने जो आंवले का बीज निकाल के आंवले को अलग किया है। आंवले को देखिए, इस तरह से हम छत पर धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, अच्छे से ये सूख जाए। आप चाहें तो पंखे में भी इसका पानी सुखा सकते हैं। तो 1 घंटे के लिए हम छत पे इस तरह से छोड़ देंगे। 1 घंटे हो गए, देखिए छत पे से हमने धूप में लगा दिया ऐसे 1 घंटे तक के लिए। देखिए अच्छे से एकदम पानी जो है इसका देखिए निकल गया, बिल्कुल एकदम ड्राई से हो गए ये। तो यहाँ पे देखिए, हमने 400 ग्राम ले लिया है शक्कर। आप चाहें तो शक्कर की जगह पे आप गुड़ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम जो आंवले को धूप लगा दिए हैं, उस आंवले को हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा चीनी और आंवले को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे इस तरह से, क्योंकि आंवले और शुगर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए
और आंवले में अच्छे से जो चाशनी होगी उसकी एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हम इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं। तो 24 घंटे हो गए हैं, हमने कल रख दिया था इसे। तो यहाँ पे देखिए शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गए, बिल्कुल इसमें नहीं है शुगर, एकदम जूसी से हमारे आंवला कैंडी बन के बिल्कुल रेडी है। तो हमें क्या करना है, इसकी जो चाशनी है हमें निकालनी है, तो इसकी चाशनी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शुगर है हमने इसका निकाल लिया है, इसे फेंकना नहीं है, इसे आप पी सकते हैं, नींबू वगैरह डाल के इसमें आप पी सकते हैं। तो इसका सिरप देखिए निकल गया है यहाँ पे, इसमें आप नमक चाट मसाला डाल के इसका पानी पी सकते हैं, बहुत ही फायदे होते हैं। यहाँ पे हमने देखिए नींबू लिया है, यहाँ पे हमने एक नींबू लिया है, तो इसमें देखिए हम नींबू जो लिए हैं, नींबू को निचोड़ के इसमें इसका रस डाल देंगे, इससे क्या होगा इसमें कालेपन नहीं पड़ेंगे, ये जैसे सफेद दिख रहा है आंवला हमारा वैसे ही दिखेगा। तो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोटल हमने 24 घंटे इसे रख दिया था, अब इसे हमें धूप में सुखाना है, तो चलिए धूप में सुखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंवला को हम ले आए हैं धूप में सुखाने के लिए, यहाँ पे कॉटन कपड़ा हमने लगा लिया, इसके ऊपर हमने एक साफ प्लास्टिक लगा दिया है। इसके बाद हम एक एक आंवले को इस तरह से फैला देंगे, क्योंकि हमें धूप चाहिए दिखाना है इन्हें, अच्छे से हम धूप दिखा देंगे। आंवला जो है देखिए एकदम जूसी जूसी से हो गए हैं, एकदम चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है आंवले में। तो एक एक आंवले को देखिए इस तरह रख के हम अच्छे से धूप दिखा देंगे, ताकि जो इसकी चाशनी अच्छे से सूख जाए। तो 2 घंटे हो गए हैं, देखिए 2 घंटे बाद हम छत पे से ले आए हैं ये जो कैंडी है, देखिए अच्छे से जो चाशनी एब्जॉर्ब की थी, अंदर तो चाशनी है लेकिन ऊपर से देखिए अच्छे से ये सूख गए, एकदम ड्राई से हो गए हैं। तो इसे हमने टोटल 24 घंटे रात में चीनी डाल के रख दिया था दोपहर में, ठीक उस टाइम प्याज हमने फिर इसे निकाल के चाशनी से अलग करके इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया। टोटल 26 घंटे के लिए हमने इसे, बहुत ही आसान सी कैंडी है ये, सिर्फ इसमें ढक के रखना है जो उसी में ज्यादा टाइम लगता है वरना ये। तो यहाँ पे देखिए धूप में से मैं ले आई हूँ इसे, 2 घंटे धूप में मैंने रखा था, जो चाशनी थी देखिए अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी चाशनी इसमें नहीं लगी हुई है, अंदर एब्जॉर्ब है अच्छे से आंवले में लेकिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने धूप में 2 घंटे डाल दिया था आंवले कैंडी को, अब ये कैंडी को मैं फिर से नीचे आंवले को ले आई हूँ धूप में से हटा के, और जो चाशनी है अच्छे से एब्जॉर्ब अंदर हो ही गई थी, लेकिन जो ऊपर से दिख रही थी चाशनी वो अच्छे से देखिए धूप में मैंने रख दिया था, तो ये अच्छे से देखिए सूख गई है, बिल्कुल इस ऊपर से चाशनी लगी हुई नहीं है। उसके बाद हम इसमें शुगर डालेंगे, जो शुगर है वो हमने पीस लिया है, यहाँ पे देखिए हमने चीनी को पहले से ही पीस लिया है, इसे और ड्राई करने के लिए हमें इसमें हल्का सा पिसा हुआ चीनी डालना है, उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो देखिए हमने पिसी हुई चीनी को भी अच्छे से कैंडी में मिक्स कर दिया, ये कैंडी देखिए बिल्कुल काली नहीं पड़ी है, बहुत ही व्हाइट है, देखिए एकदम अच्छी सी कैंडी बनी है। तो इस रेसिपी को जैसे मैंने बताया इस तरह से बनाई, बहुत ही आसान सी कैंडी, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है, कार्तिक आज से शुरू हो गया है तो बहुत ही अच्छा है ये, बच्चों को खिलाइए, घर में सभी लोग खाइए, बहुत जरूरी है, आंवले के फायदे तो बहुत ज्यादा है, इसलिए इस कैंडी को जैसे मैंने बताया इसे ट्राई जरूर करिए, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, थैंक यू। हाँ एक बात और, जब भी इसे मतलब आप रखते हैं, आप सालों साल इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जब भी रखिए इसे कांच के किसी भी बर्तन में या कांच के कंटेनर में ही रखिए, प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन रखने के लिए सबसे अच्छे कांच के बर्तन पड़ते हैं, तो कांच में बहुत ही सेफ होते हैं, काफी दिन तक अच्छे से स्टोर हो सकते हैं, इसीलिए इसे स्टील में या प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल न रखें, इसे कांच के बर्तन में ही रखें, तभी ये सालों साल अच्छे से सेफ रहेंगे। थैंक यू।